Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your course, Principles of Animal Life 2, and I'm your instructor, Dr. Imrana Amir. The topic for today's lecture is latent learning and insight learning. Latent learning. Latent learning is also called the hidden learning. It is also mentioned as the exploratory learning. It involves making association without any immediate reinforcement or a reward or a support. So the kind of learning that takes place in the absence of any apparent reward. ऐसी learning जिसमें कोई apparent उस animal को उस organism को कोई reward नहीं मिल रहा होता, कोई reinforcement नहीं होती, लेकिन वो learning process उसका हिस्सा होती है. For example, the reward is not obvious. एनिमल को ये क्लियर नहीं होता कि उसको ये बिहेवियर या ये लर्निंग करने से कोई रिवॉर्ड मिलेगा या कोई पनिशमेंट मिलेगी. एन एनिमल इज अपेरेंटली मोटिवेटेड, इट हैज़ इट्स ओन मोटिवेशन. उसकी इंटरनल ये मोटिव होता है कि उसने एक्सप्लोर करना है और उसने लर्निंग करनी है अपनी सराउंडिंग के बारे में. कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीइन्फोर्समेंट या चेंजेस उसकी सराउंडिंग्स में आ रही हैं, वो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहा होता है और वो उसका अपेरेंट मोटिव है, इसका इनसाइड मोटिव है कि उसने उस इन्वायरमेंट की, अपनी सराउंडिंग की लर्निंग लेनी है. सो द लेटेंट लर्निंग जो है, दैट अकर्स व्हेन एन एनिमल और अ ह्यूमन स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन इट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी. जब एनिमल अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है उसकी अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है एंड देन यूजेस दिस नॉलेज व्हेन नीडेड एट अ लेटर डेट, तो बाद में किसी भी बिहेवियर के लिए किसी री इन्फोर्समेंट के अपीयर होने पे उस बैकग्राउंड नॉलेज को, स्टोर्ड नॉलेज को वो इस्तेमाल करता है. देयर फॉर लेटेंट लर्निंग इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर अ डॉग व्हेन लर्निंग अ न्यू बिहेवियर. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वैल्यूएबल टूल होता है और ये मोस्टली कॉम्प्लेक्स या हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म्स ज़्यादा बेटर इक्विप्ड होते हैं, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज ज़्यादा होती हैं अपनी सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने की और उस इंफॉर्मेशन को, उस लर्निंग को माइंड में स्टोर करने की. फॉर एग्जाम्पल, रैट्स में ये कैपेबिलिटी है, डॉग्स में है, मंकीज में है, कैट्स में है, वट एवर एन ऑर्गेनिज्म, इट पोजेस द लेटेंट लर्निंग. Learning in which a new behavior is acquired but it is not demonstrated until some incentive is provided for displaying it. ये वो learning है जिसमें एक नया behavior तो acquire होता है लेकिन ये जब तक सामने नहीं आती, जब तक कोई incentive, reward, punishment या reinforcement उस organism को नहीं दी जा रही होती इस behavior के लिए. Therefore, this is another type of learning that occurs without any direct reinforcement or any punishment. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रैट को एक मेज़ के अंदर रखें विट डजेंट कंटेन एनी फूड और अ रिवॉर्ड, रैट क्या करेगा, इट विल एक्सप्लोर द मेज़, ऑल्दो रादर स्लोली. शुरू में रैट को बहुत टाइम लगेगा उस मेज़ को एक्सप्लोर करने में, बट किसी भी रिवॉर्ड या री इन्फोर्समेंट की एब्सेंस में भी रैट अपना एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर शो करेगा और वो उस मेज़ को एक्सप्लोर करेगा, वो उसके डिफरेंट पैसेज को, डिफरेंट वेज को एक्सप्लोर करता रहेगा. ऑल्दो The rat is not being provided with any reward. उसको कोई punishment नहीं मिल रही, उसको कोई food नहीं मिल रहा, but वो कहीं बैठेगा नहीं, वो अपनी surroundings को explore करता रहेगा. But when and if any food or another reward is provided, अगर हम उसी maze के अंदर कोई सा भी food provide कर दें या कोई सा भी reward उसको provide कर दें, the rat will quickly runs the maze. तो rat क्या करेगा, वो quickly उस maze के अंदर से वो reward या वो punishment या वो रीइन्फोर्समेंट तलाश कर लेगा और वो उसको क्विकली प्रोसेस कर लेगा उस इन्फॉर्मेशन को. अपेरेंटली क्या हुआ, प्रीवियस लर्निंग ऑफ द मेज हैड अकर्ड, कि जो शुरू में हमने इसको रखा इस मेज के अंदर जब कोई फूड रीइन्फोर्समेंट मौजूद नहीं थी तो उस वक्त उसकी लर्निंग हो चुकी थी, बट इट रिमेन लेटेंट, वो हिडन थी वो लर्निंग, वो जो इसका एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर था वो हिडन रहा अंटिल एन ऑब्वियस रीइन्फोर्समेंट वॉज प्रोवाइडेड, अंटिल कि हमने उस मेज के अंदर फूड रख दिया और उस रैट को विद इन नो टाइम वो फूड या वो रीइन्फोर्समेंट को एक्सप्लोर करने में कोई टाइम नहीं लगा. उसकी वजह ये थी कि उसने उस पहले वाले टाइम में वो लर्निंग या एक्सप्लोरेशन कर ली थी इससे पहले.
एज कम्पेयर टू दैट रैट, हम अगर एक न्यू रैट इसके अंदर रखेंगे जिसकी पहले से लर्निंग नहीं हुई, जिसने पहले एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, दैट रैट विल टेक मोर टाइम, उस रैट को ज़्यादा टाइम लगेगा इसको एक्सप्लोर करने में, क्योंकि उसमें लेटेंट लर्निंग मौजूद नहीं थी, उसकी प्रीवियस एक्सप्लोरेशन नहीं हुई. सो लेटेंट लर्निंग अलाउज एन एनिमल टू लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग एज इट्स एक्सप्लोर्स. कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करेगा तो उसकी वो लेटेंट लर्निंग का हिस्सा बन जाती है. सो द नॉलेज अबाउट एन एनिमल्स होम एरिया मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जो नॉलेज है अपने होम एरिया का, अपने सराउंडिंग का, अपनी इन्वायरमेंट का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसको इनेबल करता है टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर, ताकि वो कोई सा भी प्रीडेटर आता है, पनिशमेंट आती है, तो वो उससे दूर जा सके, या फिर उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में कोई प्रे आता है, कोई फूड आता है जिसको उसने कैप्चर करना है, तो वो उसको क्विकली प्रोसेस कर सके विद इन नो टाइम, लेटेंट लर्निंग या अपने एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर वाली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए. सो एनिमल्स के लिए लेटेंट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, टू फाइंड द फूड, टू फाइंड द शेल्टर, टू फाइंड अ मेट, इन सब बिहेवियर्स के लिए लेटेंट लर्निंग बहुत हेल्पफुल होती है. एडवर्ड टॉलमैन जो थे, इन्होंने लेटेंट लर्निंग के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. ही परफॉर्म्ड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ऑन द रैट्स टू डिवेलप हिज थ्योरी. एडवर्ड टॉलमैन की थ्योरी ये थी कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग. इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ही सेट ही अरेंज थ्री ग्रुप्स ऑफ रैट्स एंड दे वर प्लेस्ड इन द मेज. उसने तीन ग्रुप्स बनाए रैट्स के और तीनों को सेम मेज के अंदर रखा. अब उन तीन ग्रुप्स के अंदर उसने किस तरह से सेटिंग की. ग्रुप ए जो था, ग्रुप वन जो था रैट का, दैट वॉज अलाउड टू वेंडर अराउंड द मेज. ग्रुप वन को फ्रीली उसने मूव करने दिया और उस मेज के अंदर कंटिन्यूसली वो मूव कर रहे थे, वंस अ डे फॉर 17 डेज विदाउट एवर रिसीविंग एनी रिवॉर्ड. 17 डेज तक वो रैट का ग्रुप वन जो था वो उस सेम मेज के अंदर बगैर किसी रिवॉर्ड के सर्चिंग एक्सप्लोरेशन बिहेवियर करता रहा. 17 डेज तक कंटिन्यूसली उसने हर रोज 17 दिन तक उसको उस मेज के अंदर छोड़ता और वो उसको एक्सप्लोर करने देता. द रैट्स मेड मैनी एरर्स एंड स्पेंड रिलेटिवली लॉन्गर टाइम रीचिंग द एंड ऑफ द मेज. उन रैट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगा और उन्होंने बहुत ज़्यादा एरर्स की और उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगाया कि वो अपने मेज के एंड तक पहुँच सकें. मेज़ का एक साइड होती है जो ओपन होती है और एक साइड होती है जहाँ पे उसका एग्जिट मौजूद था. सो एग्जिट तक, डोर तक पहुँचने के लिए ग्रुप ए के रैट को बहुत टाइम लगा. सेकेंड ग्रुप जो रैट का टॉलमैन ने इस्टेब्लिश किया, उसके अंदर उसने क्या किया, उन रैट्स को सेम मेज के अंदर रखा, बट दैट वॉज ऑलवेज गिवन द फूड एट द एंड ऑफ द मेज. कि जब भी वो मेज के डोर के ऊपर, एग्जिट के ऊपर पहुँचते तो रैट्स को उसने रिवॉर्ड दिया, फूड दिया. दीज रैट्स लर्न टू रन क्विकली एंड डायरेक्टली टू द फूड बॉक्स मेकिंग अ फ्यू एरर्स. तो वो जितने रैट्स थे उन्होंने क्विकली वहाँ से रन करना, भागना सीख लिया और डायरेक्टली वो फूड की तरफ जल्दी से पहुँचे और उन्होंने रिलेटिवली लेस मिस्टेक्स की उन 17 डेज के पीरियड के बीच में. थर्ड ग्रुप ऑफ रैट जो इस्टेब्लिश किया उसने, उसके अंदर उसने क्या किया, ही स्टार्टेड आउट इन द सेम सिचुएशन, सेम मेज के अंदर एक अलहदा रैट्स का ग्रुप रखा जिसके अंदर उसने अनरिवॉर्डेड रैट्स को रखा, यानी रैट्स को एक्सप्लोर करने दिया उस मेज को. डिफरेंट एक्सप्लोरेशन बिहेवियर वो शो करता रहा लेकिन उसने कोई फूड प्रोवाइड नहीं किया, बट ओनली फॉर द फर्स्ट 10 डेज. पहले 10 दिन तक उसने कोई फूड, कोई रिवॉर्ड, कोई रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की. ऑन द 11th डे अ क्रिटिकल एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन वॉज सिचुएटेड. उसने 17th डे पे क्या किया कि रैट के इस ग्रुप को फूड प्रोवाइड कर दिया. अब 17 डेज का एक्सपेरिमेंट था, उसमें से 11 डे के ऊपर उसने तीसरे ग्रुप के अंदर ये किया कि उसमें फूड इंट्रोड्यूस कर दिया. पहले दो ग्रुप्स के बाद ये तीसरा ग्रुप था. अब क्या हुआ, द रिजल्ट ऑफ देयर मैनिपुलेशन वर ड्रामेटिक. इस तीसरे ग्रुप के अंदर जो मैनिपुलेशंस थी वो ड्रामेटिक थी, बहुत अब्रप्ट चेंजेस थी जो बहुत ड्रामेटिक थी. अब इसमें क्या हुआ कि प्रीवियसली अनरिवॉर्डेड जो रैट्स थे जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था और वो पहले 10 दिन तक एमलेसली उस मेज के अंदर घूम रहे थे,
उनको 11 डे पर बहुत थोड़ा टाइम लगा और उन्होंने थोड़ी गलतियाँ की और उनको उस फूड तक पहुँचने में बहुत कम टाइम लगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ग्रुप जिसमें कोई रिवॉर्ड मौजूद नहीं था. सो दैट देयर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इमीडिएटली मैच दैट ऑफ ए ग्रुप दैट हैज़ रिसीव द रिवॉर्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो उनकी परफॉर्मेंस जिनको 11 डे पे फूड मिला था उनकी परफॉर्मेंस उन रैट्स के कंपैरिजन में सिमिलर थी कि उनको इतना ही टाइम लगा और उन्होंने इतनी ही कम गलतियाँ की जिनको पूरे के पूरे 17 डेज पे फूड मिल रहा था. दैट मीन्स कि इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ दैट द रिवॉर्डेड रैट्स हैड लर्न द लेआउट ऑफ द मेज अर्ली इन देयर एक्सप्लोरेशन. कि पहले 10 दिन रैट्स ने उन मेज को एक्सप्लोर कर लिया जिसके पहले से कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं थी. दे फर्स्ट नेवर डिस्प्लेड देयर लेटेंट लर्निंग. जब रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था फर्स्ट 10 डेज तक वो सिर्फ उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, अपने मेज को सिर्फ देख रहे थे कि उसमें एग्जिट कहाँ पे है, उसमें एंट्री कहाँ पे है, उसमें कहाँ कहाँ पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से नेक्स्ट वे में जाना है. सो अनटिल द रीइन्फोर्समेंट वॉज ऑफर्ड, जब उनको रीइन्फोर्समेंट या फूड प्रोवाइड की गई तो उन्होंने अपनी उसी लेटेंट लर्निंग को यूज़ किया और उस लेटेंट लर्निंग को यूज़ करते हुए उनको बहुत कम टाइम लगा उस फूड तक पहुंचने में 11 डे पर, 11 से 17 डेज तक. जब उनको फूड मिला 7 डेज तक तो उनका बिहेवियर और ग्रुप वन का ऑलमोस्ट टाइम सेम था. द रेट सीम टू डिवेलप अ कॉग्निटिव मैप ऑफ द मैप्स. सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि रैट्स ने एक कॉग्निटिव मैप डिवेलप कर लिया और मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर ली उनकी स्पेशल लोकेशंस और डायरेक्शन की. रैट्स ने उस ड्यूरेशन में जब उनके पास फूड नहीं था बट वो एक्सप्लोर कर रहे थे अपने माइंड में एक मैप बना लिया उस लोकेशन का और उन डायरेक्शंस का जो मेज़ की थी कि कहाँ से एग्ज़िट है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एक्सप्लोर करना है, कहाँ से नेक्स्ट पैसेज है, कहाँ से ब्लॉक्स हैं, कहाँ पे इन है, कहाँ पे आउट है. सो इस इंफॉर्मेशन ने रैट्स को हेल्प आउट किया तीसरे ग्रुप में कि वो उस फूड तक उसी ग्रुप वन के कंपैरिजन में सेम टाइम और एफर्ट के अकॉर्डिंग पहुँच सकें. कॉग्निटिव मैप, एज वी डिस्कस इन द लेटेंट लर्निंग, वट डज एन एनिमल डू, इट डिवेलप्स अ कॉग्निटिव मैप ऑफ इट्स सराउंडिंग ऑफ इट्स एनवायरमेंट. इसमें कोई सा भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने माइंड के अंदर अपने किसी भी माहौल के जिस माहौल में वो मौजूद है उस एनवायरमेंट की उस सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक मैप बना लेता है कि इसकी चेक पॉइंट्स कौन से हैं, इसमें थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें रास्ता कौन सा है, इसकी डायरेक्शंस कौन सी हैं, इसकी स्पेशल और टेम्पोरल लोकेशंस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, इसकी कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म स्टोर कर लेता है. उसको यूज़ नहीं करता बल्कि उसको स्टोर कर लेता है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर. सो वट इज़ अ कॉग्निटिव मैप? कॉग्निटिव मैप इज़ अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेस, अ मेंटल मैप, अ मेंटल पिक्चर और द इमेज ऑफ द लेआउट ऑफ वंस फिजिकल इन्वायरमेंट. ये मेंटल मैप या कॉग्निटिव मैप ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बहुत कॉमन है. ह्यूमंस के अंदर ऑब्वियसली ये सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ऑर्गेनिजम्स में, मंकीज में, डॉग्स में, कैट्स में, कॉर्डेट्स में ये बहुत ऑब्वियस और प्रोमिनेंट है. और वो अपनी कॉग्निटिव सेंसेस को यूज़ करते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए वो लर्निंग कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में. सो एज प्रीवियसली द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉलमैन शोड दैट द रैट्स कुड लर्न अ मेज विदाउट एनी रीइन्फोर्समेंट. जब उनको कोई रीइन्फोर्समेंट नहीं मिल रही होती उसमें भी रैट्स अपनी मेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और उसका एक मैप अपने माइंड में बना रहते हैं. ऑल्दो दे डोंट यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन और दैट लर्निंग अनटिल दे इनकाउंटर अ रीइन्फोर्समेंट और फूड. सो रैट नेविगेट इन एन इंटरनल मैप. रैट क्या करते हैं, वो नेविगेट करते हैं, वो डायरेक्शन उसी नेविगेशन के अकॉर्डिंग, उसी लेटेंट लर्निंग को यूज़ करते हुए जब उनको रीइन्फोर्समेंट या रिवॉर्ड मिलती है तो वो उसकी नेविगेशन के अकॉर्डिंग मूव कर लेते हैं. नेविगेशन इज समवट जैसे हम गूगल मैप्स की नेविगेशन के थ्रू गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुँच जाते हैं. गूगल मैप्स में लेटेंट लर्निंग का कोई रोल नहीं होता क्योंकि गूगल मैप्स हमारी हेल्प कर रहा होता है हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुँचने में. बट रैट्स के अंदर ये एबिलिटी नेचुरली एग्जिस्ट करती है कि वो अपने लिए अपना मैप खुद जनरेट कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस मैप को, उस कॉग्निटिव मैप को इस्तेमाल करते हैं.
Insight learning. What is an insight learning? Insight learning is a type of learning or problem solving method or a learning that happens all of a sudden through understanding the relationship of various parts of a problem rather than through trial and error. Insight learning में critical thinking, cognitive thinking, different relationships involved होते हैं और इसके अंदर previous trial and error का कोई role नहीं होता. इसको हम suddenly experience human beings में बहुत clearly experience कर सकते हैं. इसको हम अगर हम describe करें insight learning को, तो ये वो वाली फीलिंग है जिसमें हमें अचानक से ये ख्याल आता है, ओह आई हैव फाउंड इट, और आहा मोमेंट, जिसमें आपको अचानक से आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है, आइडिया आता है, और आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ों को प्रोसेस करके उनको रिलेट करके आपके माइंड में कोई उसका सोल्यूशन आ जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एन इनसाइट लर्निंग. In insight learning, the animal uses the cognitive or the mental processes to associate the experience and solve problems. इसके अंदर ये सबसे कॉम्प्लेक्स लर्निंग की फॉर्म है जिसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म या एनिमल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी तब कैपेबिलिटी डेवलप होती है और बिहेवियर डेवलप होता है या लर्निंग होती है. क्लासिक एग्जांपल जो है इसमें वुल्फ गैंग कोलर की एग्जांपल है, हु कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन चिम्पैंजीज दैट वर ट्रेन टू यूज टूल्स टू ऑब्टेन द फूड रिवॉर्ड्स. सो उसने चिम्पैंजीज को यूज़ किया इस क्रिटिकल थिंकिंग या इस कॉग्निटिव थिंकिंग या इनसाइट लर्निंग को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए. चिम्पैंजीज एज वी ऑल नो दैट दे आर they do resemble the human beings or they belong to the group primate. अब वो primate से belong करते हैं और उनका complex या cognitive thinking या problem solving जो skill है वो बहुत ज़्यादा well defined होती है. so chimpanzee को इसलिए इस experiment के अंदर इस्तेमाल किया Wolfgang ने या Kohler ने. so one chimpanzee was given some bamboo poles. उसने क्या किया, chimpanzee को bamboo poles दिए जिनको ज्वाइन किया जा सकता था और उससे एक लॉन्गर पोल बन सकता था. उसने एक लॉन्गर पोल नहीं दिया बल्कि डिफरेंट बैम्बू पोल्स वहाँ पे रख दिए उस चिंपैंजी के पास, और डिफरेंट बनानास जो थे उनको सीलिंग के साथ, छत के साथ हैंग कर दिया. अब क्या हुआ, वंस द चिंपैंजी फॉर्मड द लॉन्गर पोल, जब चिंपैंजी इस काबिल हो गया कि उसने शॉर्टर पोल्स को इकट्ठा किया, उनको ज्वाइन किया एक स्टिक के साथ और वो लंबा सा पोल बना लिया, it used the pole to knock the bananas to the cage floor. तो वहाँ से उसने उस लंबे पोल को इस्तेमाल करते हुए छत के साथ लटके हुए जो बनाना थे उसको नीचे अपने केज के फ्लोर तक वो ले आया. अब कोहलर को इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला दैट द एनिमल यूज देयर इनसाइट लर्निंग टू गेट द बनानास, कि एनिमल के अंदर ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो इनसाइट लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर. इन एडिशन जैन लाविक गुडेल हैज़ ऑब्जर्व चिम्पैंजीज इन द वाइल्ड यूजिंग द टूल्स टू अकम्पलिश वेरियस टास्क. डिफरेंट साइंटिस्ट ने फिर चिम्पैंजीज के डिफरेंट नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि चिंपैंजीज डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स शो कर सकते हैं, डिवेलप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दे यूज्ड क्रम्पल्ड लीव्स एज अ स्पॉन्ज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कि वो क्रम्पल्ड लीव्स को इस्तेमाल करते हैं वाटर को ड्रिंक करने के लिए, उसको स्पंज का तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर फर्दर जो पानी के अंदर कोई डिफरेंट इम्प्योरिटीज मौजूद हैं तो वो उनके साथ उनके मुँह में ना जाए. This figure explains the insight learning experiment which was done by Kohler in the chimpanzee. इस experiment के अंदर monkeys को different blocks रख के उसके cage के अंदर different blocks रखे गए ताकि उन blocks को जोड़ के अपनी insight learning को इस्तेमाल करते हुए जो chimpanzee है वो उन bananas तक पहुँच सके, और bananas को उसने छत के साथ ceiling के साथ लटका दिया. जब chimpanzee ने उन सबको कनेक्ट किया, ज्वाइन किया उन बैम्बू पोल्स को, तो वो छत तक पहुंचकर उसने अपना फूड या रिवॉर्ड ले लिया बाय यूजिंग इट्स इनसाइट लर्निंग. दिस चिंपैंजी पुट्स टू स्टैक्स टुगेदर एंड इट स्टैंड्स ऑन द स्टैक बॉक्सेस टू रीच द बनाना सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग. सो दिस एक्सप्लेन्स द इनसाइट लर्निंग इन चिंपैंजीज. इन दिस गिवन फिगर कैन यू लीव
two complete squares only by taking away two sticks from the pattern which is shown below. इस पैटर्न में से आपको चार बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं. अगर आप इसमें से कोई से भी दो स्टिक्स निकाल दें तो आपके पास इस बिलो पैटर्न में से सिर्फ दो कंप्लीट स्क्वायर्स रह जाएं. आपने इसमें से इस तरह दो स्टिक्स निकालनी है कि यहाँ पे सिर्फ दो कंप्लीट स्क्वायर्स आपके पास रह जाएं. इफ़ यू कुड डू दैट, हाउ वुड यू डू दैट? सो हियर इज द आंसर. यू विल रिमूव these two sticks from this box and your two squares will be formed. So this is an example of insight learning. You might use your critical and problem solving abilities and then ultimately with different trial and errors and rearrangements you will ultimately reach towards your final goal. Ye ek example hai insight learning ki. लेटेंट और इनसाइट लर्निंग दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं लर्निंग की. लेटेंट लर्निंग के अंदर ऑर्गेनिज्म की लर्निंग जो है वो ऑब्वियस नहीं होती, क्लियर नहीं होती, अपीयर नहीं होती जब तक कि कोई री इन्फोर्समेंट उसको ना दी जाए, कोई पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड उस ऑर्गेनिज्म को ना मिले. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अनफेमिलियर बिल्डिंग में जाते हैं, वेयर वुड यू फाइंड द क्लोजेस्ट एग्जिट नियर यू? आप नॉर्मली उसको नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी आएगी तो आप सबसे पहले उस अपने क्लोजेस्ट एग्जिट के पास चले जाएंगे. दैट मींस कि आपके पास पहले जब उस बिल्डिंग में आप एंटर हुए थे आपने उस एग्जिट को नोटिस किया था, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हुई. सो एज़ कम्पेयर टू लेटेंट लर्निंग, इनसाइड लर्निंग में क्या होता है, व्हेन वन सडनली रियलाइजेज हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि जब आप डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स करते हैं, डिफरेंट किस्म की इन आपके ब्रेन के अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग्स होती हैं और आपका ब्रेन डिफरेंट लॉजिक्स को, इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके आपके पास अचानक कोई सोल्यूशन आ जाता है किसी भी प्रॉब्लम का. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आहा मूवमेंट. नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके पास इनसाइट लर्निंग की एनिमल्स की एग्जाम्पल दी हुई है. इसमें आपको दो एग्जाम्पल्स पिजन की और चिंपैंजी की कोलर का एक्सपेरिमेंट क्लियरली नज़र आएगा.
थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर.